समाज सेवा में समर्पित विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट शाखा आगरा के द्वारा आगरा की पावन धरा पर विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रसपान दिनांक 11 से 17 जनवरी 2018 समय दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक। स्थान देहतोरा की बचत मैदान C2 चर्चित चौराहा देहतोरा शास्त्रीपुरम आगरा। विशेष प्रतिदिन कथा के बाद विशाल भंडारे का भव्य आयोजन एवं कथा के साथ साथ नित्य सामाजिक कार्यों का आयोजन किया जाएगा, जैसे वृक्षारोपण, हेलमेट वितरण, गरीब महिलाओं को अनाज एवं कपड़ों का वितरण एवं स्कूली बच्चों को गर्म कपड़ों का वितरण, गायों की रक्षा हेतु एवं पर्यावरण रक्षा हेतु समाज को जागृत करना इत्यादि। इस विशाल कुंभ रूपी आयोजन में सपरिवार पधार कर धर्म लाभ प्राप्त करें। नोट: भव्य कलश यात्रा 11 जनवरी 2018 को प्रातः 8:30 बजे JP गार्डन शास्त्रीपुरम चौराहे से शुरू होकर कथा मैदान देहतोरा की बचत मैदान C2 चर्चित चौराहा देहतोरा शास्त्रीपुरम को प्रस्थान करेगी। संपूर्ण आयोजन का सीधा प्रसारण बापूजी के फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। श्री मुरारी लाल गोयल, मैनेजिंग ट्रस्टी विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट हरिद्वार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09358399066। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ फैशन एंड डिजाइनिंग। Fashion and designing is all about dreaming. So BNI5, fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA. Yes, I am an IFA. Design your future. आगरा में यूपी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हो, ये हमारी पुरानी मांग है। करीब 20 वर्षों से इस मांग को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं और कई चरणों में अब हमने उसको ज़्यादा गति दी है। और अभी हाल में ही जो आज का कार्यक्रम है हमारा समर्थन अभियान, इसमें हम मुख्यमंत्री के नाम जो प्रपत्र हैं उन पर हस्ताक्षर करा रहे हैं और समर्थन जुटा रहे हैं। अब तक करीब 50 विद्यालयों में बड़ी बड़ी सभाएं करके हमने समर्थन जुटाया है और लगभग 20,000 छात्रों से अध्यापकों का समर्थन हमें प्राप्त हो गया है और पूरा बड़ा उत्साह है इसके लिए। आगे के कार्यक्रमों में भी हमने यहाँ 18 जनवरी को धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है यहीं JD कार्यालय के सामने, और 10 तारीख को हम एक शैक्षिक संगोष्ठी करने जा रहे हैं बैप्टिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में। उसका विषय है माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता और उन्नयन। 20 साल से यहाँ आप मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार क्या कहते हैं उसको नहीं मान रही है, तो आखिर क्या कहेंगे? अगर जैसे अभी भी आप आंदोलन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आंदोलन चल रहा है, लेकिन अगर नहीं बना तो ऐसी सरकारों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, सरकार तक हमने अपनी बात पहुँचा दी है, यहाँ के दोनों सांसदों के माध्यम से ज्ञापन गया है जिनमें चौधरी बाबूलाल जी, प्रोफेसर रामशंकर कटेरिया द्वारा ज्ञापन गए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी आगरा के माध्यम से ज्ञापन गया है, संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा के माध्यम से ज्ञापन गया है। इसके अलावा 3 कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल उन ज्ञापन कहीं भी गए हो, लेकिन आप जी बता दो अगर ये कार्यालय नहीं बना तो आप कितना समर्थन? ऐसा है, अभी हम जो सबसे बड़ा हम आंदोलन करने जा रहे हैं, हम ताजमहल को घेरेंगे, आगरा के शिक्षक और छात्र उस समय हमारे साथ होंगे, ये अभी हम संकल्प लेंगे। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर हम ये संकल्प लेंगे और ताजमहल को घेरने का ही हम लक्ष्य बना करके चलेंगे और उसके लिए भी हम सब जगह चिट्ठियां लिखेंगे।
पब्लिक तो संदीप जी जैसे 20 साल से मांग है क्षेत्रीय कार्यालय के, क्योंकि शिक्षक भी परेशान होता है, छात्र भी परेशान है, और कहीं ना कहीं सुविधाएं तो मिलेंगी क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालय खुल जाएगा, लेकिन सरकार इस तरह की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखती है, क्या कारण है? देखिए सरकार के तो खोखले वादे हैं, बातें हैं बड़ी और काम छोटी, जबकि आगरा जनपद में मैं आपको बताऊं कम से कम 850 विद्यालय, आज विद्यालय की संख्या 850 पहुंच चुकी और 15 जनपदों की मांग है जी, आगरा की ही नहीं, आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल और कानपुर, झांसी, ये सब जगह की मांग है कि भाई मेरठ बहुत दूर पड़ता है, क्षेत्रीय कार्यालय आगरा में खुले। गोरखपुर में योगी जी ने कार्यालय खोल दिया, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि सुस्त हैं, उनको बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, इस ओर शिक्षा की ओर तो ध्यान ही नहीं है, जिसमें यूपी बोर्ड की शिक्षा का तो बंटा ढार दिनों दिन होता जा रहा है, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो वो नहीं खुला तो फिर उस स्थिति में आपका संगठन क्या निर्णय लेगा? देखिए अभी तो ये हमारे ये अभी ज्ञापन वगैरह चल रहे हैं, फिर जनप्रतिनिधियों को जगाएंगे हम, इनके घर पे जाके दरवाजा बजाएंगे इनका और इनके घर पे जाएंगे, इनसे जन समर्थन लेंगे, फिर भी यदि बात नहीं बनती है तो फिर एक जन आंदोलन आगरा में होगा और किसी भी वो जो भी कार्यक्रम होगा अब आर पार का होगा। इसी महामंत्री हूँ इस संगठन में, काफी समय से हम इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, सभी विधायकों और सांसदों को, मंत्रियों को हमने ज्ञापन दिया है, अभी तक हमारी आवाज़ उनके कानों में नहीं गूंज रही है, आगे हम बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होंगे बैठेंगे नहीं, अभी ताजमहल गए रहेंगे, धरना देंगे, ज्ञापन देंगे, शहीद स्मारक पर बैठेंगे और जरूरत पड़नी तो जेडी कार्यालय को भी घेरेंगे और सरकार तक ये पहुंचाएंगे कि जल्दी से जल्दी यहां का निदान जल्दी हो और बिल्कुल शांति से नहीं बैठने देंगे किसी भी अधिकारी को। क्षेत्रीय कार्यालय की मांग लेकर आप लोग यहाँ के समय से प्रयासरत हैं लेकिन नहीं खुल पा रहा है, क्या कहेंगे ऐसे नेताओं के लिए, क्या कहेंगे ऐसे सरकार के लिए जो सिर्फ वादे करती है लेकिन काम नहीं करती? देखिए हमारा संगठन काफ़ी समय से संघर्ष कर रहा है और अभी अभिभावकों का पूरा समर्थन मिल रहा है, जो छोटी छोटी गलतियों के लिए मेरठ भागते हैं बोर्ड की गलतियों के लिए, उसलिए यहाँ स्थापित कर रहे हैं। वही रही बात सरकार की, ये सरकार तो निकम्मा बन रही है, ध्यान ही नहीं दे रही, कहते हैं ज्ञान और गुण प्राप्त करने की जिस वस्तु की प्रथम और प्रमुख आवश्यकता है शिक्षा है, शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही सरकार। अरे उधर ध्यान देना चाहिए कि एक पूरा जो है एक कार्यालय यहाँ होना चाहिए, गोरखपुर जैसे इसमें शहर में एक कमरे में कार्यालय खुल गया, ये शर्म की बात है कि जो आगरा मंडल में पूरा खुलना चाहिए जिसमें कई जिले प्रभावित आ रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा हमारा संगठन पूरा जो हमें दिशा निर्देश देंगे देवी सिंह नरवार जी, हम उस तरह से टिट फॉर टैट का काम करेंगे और हर हालत में इसको क्षेत्रीय कार्यालय खुलवा कर मानेंगे।